श्योपुर के कॉलेज घोटाला मामले में प्रभारी प्रचार्य एसडी राठौर पर लाखों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है। इस मामले में भाजपा नेता राघवेंद्र जाट ने दावा किया है कि प्रभारी प्रचार्य जांच में दोषी हैं और अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रचार्य द्वारा अपनी ही बेटी को अतिथि विद्वान रखकर नियम विरुद्ध लाखों रुपए का भुगतान निकाला है। कलेक्टर शिवम वर्मा के आदेश के बाद हुई जांच में आज तक उनके जांच का कोई भी प्रतिवेदन नहीं दिया है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। उच्च शिक्षा मंत्री के यहां से एडी द्वारा जांच टीम गठित की गई है, जिसमें एडी की टीम ने रफ्तार मीडिया को बताया कि हमारे द्वारा जांच पूरी करके आयुक्त भोपाल में जांच प्रतिवेदन भेज दिया गया है। जो भी कार्रवाई होगी वो आयुक्त करेगा। एसडी राठौर साहब पर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें जो जांच कमेटी बनी है उन्होंने प्रतिवेदन जिलाधीश महोदय को दे दिया है, लेकिन एक प्रति मेरे को अभी उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाई है और उसमें दोषी पाए गए हैं प्रभारी प्राचार्य। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और बहुत अति शीघ्र जल्दी कार्रवाई हो इसके लिए हम अभी यदि यहाँ से न्याय नहीं मिला है तो लोकायुक्त में जाकर के पूरी बात रखेंगे, क्योंकि छात्र हितों और जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे भ्रष्टाचार रूपी प्राचार्य को जिले में रहने की कहीं भी जगह नहीं होना चाहिए। और अभी बीच में मामला संज्ञान में आया कि एडी के द्वारा भी जांच हुई है, एक जांच और अभी उच्च शिक्षा आयुक्त के यहाँ से बैठी है, उस वो जांच भी होकर के उच्च शिक्षा आयुक्त के यहाँ पहुँचा दी गई है। इस संबंध में भी एडी साहब से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि वो ही जवाब दे पाएंगे। उच्च शिक्षा आयुक्त के यहाँ हमने जांच पहुँचाई।